हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूपी एलटी गेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट कोई भी स्टेट हो, सभी के टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, MCQs एंड थ्योरी सेशन एंड प्रीवियस ईयर सभी दिए गए हैं। आप चैनल भी जाइए और उसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सभी टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बॉक्सिंग के मैदान को रिंग बोला जाता है। बॉक्सिंग के मैदान यानी रिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 20x20 फीट होती है, क्योंकि ये वर्गाकार होती है। 20x20 फीट यानी 6.10x6.10 मीटर। एंड रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? जो रिंग होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो उसकी ऊंचाई होती है 4 फीट। ठीक है, ऊंचाई होती है 4 फीट। एंड नेक्स्ट है, रिंग के चार कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? तो लाल, नीला और दो कॉर्नर सफ़ेद। लाल और नीला से चिन्हित किया जाता है और दो कॉर्नर जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। नेक्स्ट है, रिंग के रस्से प्लेटफॉर्म के किनारे, रिंग के रस्से प्लेटफॉर्म के कितने अंदर रहते हैं? तो जो रिंग के रस्से होते हैं वो प्लेटफॉर्म के 1.5 फीट अंदर रहते हैं। कितना? 1.5 फीट। नेक्स्ट है, रिंग में रस्सों की कितनी संख्या होती है? जो रिंग होती है उसमें 3 या 4 रस्से होते हैं। कितने? 3 या 4। और उन रस्सों का ब्यास कितना होता है? तो ब्यास 5 सेंटीमीटर होता है। एंड रिंग में अगर रस्सों की संख्या 3 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? अगर 3 रस्से हों तो प्लेटफॉर्म से पहला रस्सा 40 सेंटीमीटर, दूसरा रस्सा 80 सेंटीमीटर और तीसरा रस्सा 130 सेंटीमीटर लगाया जाता है। एंड वहीं पे पूछा जाए कि अगर रिंग में रस्सों की संख्या 4 हो तो कितनी दूरी पर लगाई जाएगी? तो पहला रस्सा दोस्तों लगाया जाएगा आपका 16 इंच पर। कितना पर? पहला रस्सा 16 इंच पर, दूसरा 28 इंच पर, फिर 40 इंच पर, फिर 52 इंच पर। यानी 16, 28, 40, 52 इतना इतना पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर सेंटीमीटर में कहें तो पहला रस्सा 40 सेंटीमीटर पर, उसके बाद 30-30 का आप डिस्टेंस करते जाएंगे, 4×3=7 यानी 70, फिर 7×3=10 यानी 100, फिर 130 कितना हो जाएगा? 130। 30-30 आप जोड़ते जाएंगे, चौथा रास्ता का आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी किन रंगों के ग्लव्स पहनता है? तो उस समय वो लाल नीला ग्लव्स पहनता है। और इसका जो ग्लव्स का भार कितना होता है? ग्लव्स का भार होता है 10 औंस। जो ग्लव्स होता है उसका भार होता है 10 औंस, यानी कि 284 ग्राम। तो कई बार पूछा है कि जो बॉक्सिंग में दस्ताने यानी ग्लव्स पहना जाता है उसका भार कितना होता है? 10 औंस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गम शील्ड नामक उपकरण किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो बॉक्सिंग में। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए वेट कैटेगरी होती है, तो इस पुरुषों के लिए 11 वेट कैटेगरी होती है। एंड महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में कितनी वेट कैटेगरी होती है? तो 13, ये ध्यान में रखिएगा। पुरुषों के लिए बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी 11 होती है और महिलाओं के लिए वेट कैटेगरी 13 होती है, 11-13। नेक्स्ट है, पिन वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? तो पिन वेट जो होती है वो महिला के लिए होती है। लाइट वेटम वेट कैटेगरी बॉक्सिंग के में किस वर्ग के लिए होती है? यह भी होती है महिला के लिए। पिन वेट कैटेगरी हो गया, लाइट वेटम वेट हो गया। एंड लाइट मिडिल वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? तो ये भी होती है महिला के लिए। किसके लिए? महिला के लिए। तो पिन वेट कैटेगरी, लाइट वेटम वेट कैटेगरी, लाइट मिडिल वेट कैटेगरी, लाइट बैटम वेट, लाइट मिडल वेट और पिन वेट, ये तीनों आपके हो गए महिला की। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए है? तो यह पुरुष के लिए है।
एंड महिलाओं के लिए पिन वेट कैटेगरी कितना भार रखा जाता है उसमें, तो यह जीरो से 46 kg आपका होता है पिन वेट कैटेगरी। एंड नेक्स्ट है 2008 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता मैरी कॉम किस वेट कैटेगरी की थी, तो वह लाइट फ्लाइट वेट 48 kg की थी। नेक्स्ट है 2008 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता विजेंद्र सिंह किस वेट कैटेगरी में आते हैं, तो यह मिडल वेट कैटेगरी 75 kg में आते हैं। नेक्स्ट है IABF क्या है, IABF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में कितने राउंड व कितने समय के होते हैं, तो दोस्तों इसमें 3 राउंड प्रत्येक 3 मिनट के, यानी 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और प्रत्येक राउंड के बीच जो है 1 मिनट का रेस्ट होता है, ठीक है। जबकि कुश्ती में क्या होता है रेसलिंग में कि 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, प्रत्येक राउंड के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट होता है, और जो बॉक्सिंग होता है 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, राउंड के बीच 1 मिनट का रेस्ट होता है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में रेफरी की संख्या कितनी होती है, तो बॉक्सिंग में एक रेफरी होता है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में जजों की संख्या कितनी होती है, तो 5 जज होते हैं। नेक्स्ट है नॉकडाउन्स नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल में प्रयुक्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बॉक्सिंग में नॉकडाउन्स, नॉकआउट नहीं है, तो एक टूर्नामेंट है, या नॉकडाउन्स पूछा हुआ है, तो नॉकडाउन्स नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो बॉक्सिंग में। नेक्स्ट है IABF का पूरा नाम क्या है, तो IABF का पूरा नाम है इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। नेक्स्ट है IABF की स्थापना कब हुई, तो 1953 में हुआ। और दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉक्सिंग को ओलंपिक में पुरुषों का 1904 सेंट लुइस अमेरिका में शामिल हुआ, एंड महिलाओं का 2012 लंदन ओलंपिक में। वहीं पे आपका बॉक्सिंग जो है एशियाई खेलों में 1954 में शामिल हुआ, एंड प्रथम प्रतियोगिता इसका 1950 मुंबई में राष्ट्रीय स्तर की हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था आपके बॉक्सिंग के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।